खबर बेतिया से है, जहां बेतिया में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची के विरोध करने पर दोनों आरोपी ने बच्ची पर जानलेवा हमला किया। आरोपी ने पीड़िता के हाथ तोड़े, आंख फोड़ने की कोशिश की। घायल बच्ची इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। दोनों नाबालिग आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। बता दें बेतिया के मझूलिया थाना क्षेत्र के बकरी चराने गई 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। दो नाबालिग लड़कों ने बच्ची से दुष्कर्म किया, विरोध करने पर उसे पीटा और आरोपी ने लड़की के हाथ तोड़े, लड़की की आंख फोड़ने की कोशिश भी की और उसके निशान सीधे तौर उसकी आंख पर भी है। आरोपी पहले तो बच्ची के साथ बकरी के खरीदने के बहाने बात करते हैं, फिर उसके साथ दुष्कर्म करने लगे। पीड़िता को अधमरा कर दोनों आरोपी वहां से भाग गए। बाद में बच्ची ने रोते हुए उसकी शिकायत परिजनों से की और परिजनों की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। नटिया दाब होकर जब मुँह में नाक में खून फेंक लगे तो छोड़ दल सन, भाग गए सन। अब दोसर बचिया घर देखल तो जाके कहलक आजी से, तो आजी अनी तो पकड़ उकड़ का फिर हम एक से हम तो उड़नी तो पकड़ उकड़ के ले गईनी से घर, तो ले जाकर घर सुत अनी सन। तो लोग कहलक जो ले जाए लोग अस्पताल जाल में लेकर भाग लग तो लेके गई सन। दुष्कर्म के लिए गलत काम आ गलत काम कर दिल वाला सन। का नाम पड़ेगा? मझौलिया में एक रेप का मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में आई थी और मझौलिया थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो रेप के आरोपी थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और आगे का जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है।